हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं QSWP के बारे में। QSWP के कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था काफ़ी पहले, बट टाइम की कमी होने की वजह से आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाया, इसके लिए आई एम सॉरी। बट अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी आपको बेल का बटन वहाँ पर देख रहा है उसको आप दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ओके, जब मैं बात करता हूँ QSWP की, तो इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यूबेक गवर्नमेंट आपके लिए एक नया पोर्टल लेके आने वाली है। बट अभी ये पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जो कि सितंबर 18, 2018 को इसको प्रॉपरली रन किया गया था। बट इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कैसे इस पोर्टल के थ्रू आपका असेसमेंट किया जाएगा, इसमें ज़्यादा अभी डिटेल में पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मीडी ने इसको अभी ज़्यादा डिटेल में लॉन्च नहीं किया है, आई मीन इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। बट यहाँ पे जो मेनली है आपका जो पोर्टल अरीमा, ये लॉन्च हो चुका है। जितने भी क्यूबिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम कैटेगरी में आते हैं, स्किल्ड वर्कर वर्कर्स जो NOC 0A/B कैटेगरी में आते हैं, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब जब अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका कैलकुलेशन किस बेस पे होगा, आपका जो पॉइंट क्रेडिट किस बेस पे बनेंगे, तो जो एलोकेशन है पॉइंट्स का वो आपके लैंग्वेज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एज, ठीक है, मास्टर इन फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, अगर आपको फ्रेंच आती है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्यूबेक का इमिग्रेंट हो जाएं, और ख़ास तौर पे अगर आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो और पब्लिश की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यूबेक 17,000 लेबर शॉर्टेज से जूझ रहा है। अभी क्यूबेक में 17,000 से ऊपर लेबर शॉर्टेज है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और क्यूबेक का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए क्यूबेक गवर्नमेंट ने मिलकर ये IRCC से जो रिक्वेस्ट की थी लास्ट कॉन्फ्रेंस में कि मुझे जो कनाडा का टोटल टारगेट है 81,000 इमिग्रेशन को लेके जाने का, तो उसमें से 10-12% को क्यूबेक चाहता है, क्यूबेक अपने प्रोविंस में सेटल करना चाहता है। तो इसी के लिए जो स्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया है, इसको काफ़ी लॉन्ग रन पे देखा जा रहा है कि क्यूबेक एक अच्छा इकोनॉमिकल प्रोविंस निकल कर आएगा। तो इसके लिए क्यूबेक गवर्नमेंट ने आपका QSWP के लिए आपका अरीमा पोर्टल लॉन्च किया है, और इसमें क्या होगा कि आपके जो भी स्किल्स हैं उस बेसिस पे आपको यहाँ पे इमिग्रेट किया जाएगा। ख़ासतौर पर अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, या फिर आपने फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लेवल्स क्लियर किए हुए हैं, तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। और यहाँ पे बात आती है, जब QSWP की मैं बात कर रहा हूँ, तो QSWP और अरीमा पोर्टल को कैसे कनेक्ट करता है और इसको कैसे यहाँ पे सिलेक्शन आपको किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बात कर लेते हैं, जब हम QSWP की बात कर रहे हैं तो इमिग्रेशन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, जब मैं इमिग्रेशन प्रोसेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपने EOI सबमिट करना है। अब EOI आपने अरीमा पोर्टल के थ्रू सबमिट करना है। ठीक है, जब आप इस पोर्टल के थ्रू सबमिट करेंगे तो EOI क्यूबेक गवर्नमेंट को चला जाएगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा EOI के थ्रू, अगर आपका EOI क्यूबेक गवर्नमेंट को परफेक्ट लगता है कि हाँ आप एक प्रॉपर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं जिसकी क्यूबेक गवर्नमेंट को डिमांड है, ठीक है, तो आपका जो EOI होगा, आपके एजुकेशन लैंग्वेज, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यहाँ पे ITA आएगा। ठीक है, ITA आप EOI बैंक में चले जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ निकलेगा, जैसा कि एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ निकलता है, और इसके बाद आपको EOI के थ्रू आपको यहाँ पे ITA आएगा। ITA जैसे आपको आता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे CSQ के लिए। अब CSQ होता क्या है, ये क्या भला है? CSQ होता है क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट ये है कि क्यूबेक ने आपको वेरीफाई कर दिया है, आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें। वेरीफाई करने का प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी आपके बैकग्राउंड चेक होंगे, आपके सेटलमेंट फंड्स चेक होंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जैसे अभी तक देखा गया टाइम कंज्यूमिंग रहा है, लेकिन स्पीड अप करने के लिए इस प्रोसेस को अरीमा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जल्दी से जल्दी फिल्ट्रेशन करके, जो कि सिर्फ आपके QSWP में डील करेगा, और यहाँ पे आपको स्पीड अप मिलने देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या होगा कि जैसे आपको CSQ मिल गया और आपको इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो सबसे मेन टारगेट है कि आपका EOI सबमिट करना है आपने। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप अपना अरीमा पोर्टल में लॉगिन करें, कैसे आप अपना ID क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे आप अपने QSWP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो स्किल वर्कर कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है, स्किल वर्कर कैटेगरीज हैं 0A/B, ठीक है, NOC कोड 0A/B उन लोगों के लिए है QSWP, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा अगले वीडियो में कि
जो सी और डी कैटेगरी हैं, क्या आप लोग भी माइग्रेट हो सकते हैं, क्या आप लोगों को भी कनाडा में जॉब मिल सकती है इस बेसिस पे। ठीक है, तो इसके लिए एक नया प्रोविंस अभी सॉरी इसके लिए एक नया प्रोविज़न निकल के आने वाला है कि सी और डी कैटेगरी के लोगों के लिए क्यूबेक में क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने अरीमा पोर्टल को एक्सेस करना है, कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।